Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shehnaz Update. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ बताने वाली हूँ. सो या इस वीडियो के इन तक बने रहेगा. सो गाइज, दो इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ अब क्या है? जी हाँ, सो एक तो रियाशन इश्क में मजाओं सीजन 2 एंड फैन से रिलेटेड है, और एक न्यूज़ आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड से रिलेटेड है. सो या इस वीडियो के आप लोगों को इन तक बने रहेगा. सो गाइज, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते. सो पहले आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड की इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ बता, उसके बाद बताऊंगी और एक इम्पोर्टेंट वाली न्यूज. सो गाइस, हमारे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स, जी हाँ, हमारे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड जो है वो उसकी वोटिंग लाइंस क्लोज नहीं हुई है. जी हाँ, वोटिंग लाइंस ओपन है. आप लोग जाके वोट करो हमारे रियांश को, वोट करो हमारे रियांश को एंड सेकेंडली हमारे इश्क में मजाओं सीजन 2 को. एंड आप लोगों को हमारे इश्क में मजाओं को तो वोट करना ही करना है. एंड हमारे हेलिशा एंड राहुल सुधी को भी थोड़ा सा प्यार देना चाहिए. सो उनको भी जाके वोट करिए आप लोग. सो यही बस मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से. एंड आप लोगों को बता दे, सो और एक इम्पॉर्टेंट वाली न्यूज़, सो फैंस वोट नहीं कर रहे. जी हाँ, फैंस वोट नहीं कर रहे हमारे इश्क में मजाओं को, हमारे रियांश को, हमारे हेली को, हमारे राहुल को. जी हाँ, क्यों वोट नहीं कर रहे? अब आप लोग तो पूछेंगे कि क्यों वोट नहीं कर रहे. हम लोग तो वोट कर रहे, बट वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गाइस, वो सारे के सारे फैंस सोच रहे हैं कि हम लोग इतना सारा वोट किए हैं इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में, तभी उसके बावजूद भी हमारे रियांश के जीते, हमारे इश्क में मजाओं के जीते. हमारे रियांश एंड हमारे इश्क में मजाओं के साथ एकदम फुल टू फुल चीटिंग हुई है. एंड हमारे रियांश के साथ तो पूरा धोखा हुआ है. हमारे रियांश के वोट्स डिलीट किए, उसके बाद ये किया, वो किया, बहुत सारे कुछ हुआ है. हमारे रियांश के साथ तो बहुत बड़ी वाली चीटिंग हुई है. तो इसी वजह से फैंस जो है वोट नहीं कर रहा आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स में. बट ऐसा करने से क्या होगा, आप लोगों को पता होगा, इसका इफेक्ट उनके न्यू प्रोजेक्ट पे जाएगा, राहुल एंड हेलिशा के म्यूजिक एल्बम पे जाएगा. जी हाँ, आप लोगों को बता दें, आप लोग अगर ऐसा जिद पकड़ के बैठे हो या फिर कुछ कर रहे हो, ऐसा वोट नहीं कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका पूरा का पूरा इफेक्ट, इसका पूरा का पूरा असर हमारे राहुल के म्यूजिक एल्बम पर पड़ेगा एंड राहुल के न्यू प्रोजेक्ट पर पड़ेगा. एंड इश्क में मजाओं सीजन 3 पर बहुत ही भारी वाला असर पड़ेगा. एंड ममता मैम देखेगी कि ये शो, मतलब शो के फैंस अच्छे है भाई, फैंस अच्छे है, ये है, वो है, पॉपुलरिटी अभी की अभी मतलब वैसी की वैसी है, बट ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे इश्क में मजाओं क्यों नहीं जीत रहे? हर बार हर चीज़ में अगर हमारे इश्क में मजाओं ना जीते तो ममता मैम क्या सोचेगी? जो इश्क में मजाओं सीजन 3 को लाके मेरा क्या फ़ायदा होगा? सो आप लोगों को हमारे रियांश की पॉपुलरिटी बढ़ानी है, ना कि घटानी है, ना कि उतारनी है. सो आप लोगों को पॉपुलरिटी तो बढ़ा के रखनी है एंड आप लोगों को वोट करना है. अगर आप लोग वोट नहीं करोगे, म्यूजिक एल्बम की छोड़िए, हम मतलब हमारे फैंस क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक न्यू प्रोजेक्ट में आए, एक IMM जो है 3 आए, मतलब इश्क में मजाओं सीजन 3 आए, या फिर वो लोग दोनों कोई इकट्ठे प्रोजेक्ट में हम लोगों को चाहिए ना. सो म्यूजिक एल्बम तो छोड़ो ही भाई. सो हम लोगों को इश्क में मजाओं सीजन 3 चाहिए, ताकि हम लोग रियाज जोड़ी को देख सकें एंड सारी की सारी चीज़ें देख सकें. म्यूजिक एल्बम तो क्या चीज़ है? म्यूजिक एल्बम 2 मिनट, 3 मिनट या फिर हार्डली 5 मिनट, इतना ज़्यादा ही तो होता है ना. बट शो मतलब बहुत ही मज़ा आता है शो में. हर दिन नए नए एपिसोड्स आते हैं, हम लोग को मज़ा आता है. हम लोग शो के ऐसे अपडेट्स डालते हैं, आप लोगों को भी मज़ा आता है कोई ना कोई शो को देखने में. तो शो में मज़ा आता है, ना कि म्यूज़िक एल्बम तो छोटी मोटी सी प्रोजेक्ट जैसी है. तो हेलिशा का म्यूज़िक एल्बम कब रिलीज़ होगा, इसका डेट जो है फाइनलाइज हो जाएगा, डिस्क्लेयर हो जाएगा सितंबर के मंथ में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था. एंड आप लोग खुद ही सोचो भाई, ऐसा करके क्या होगा, क्या मिलेगा हमारे रियांश फैंस को? कुछ नहीं मिलेगा. ऐसे तो धोखा हो ही चुका है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स पर. अब जो है, अब आप लोगों को बता दे, एकदम डिफ़िकल्ट सा जो है कंपटीशन है इस बार आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड पे. अगली बार जो है, मतलब अगले बार 2 जोड़ियाँ थी, इस बार आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड पे 4 जोड़ियाँ. सो अब 4 जोड़ियाँ कौन सी है? रियांश भी है उसके साथ, बट और 3 जोड़ियाँ कौन सी है? सो उसके नेम्स भी मैं आप लोगों को मेरे अगले वीडियो पर बताऊँगी. सो एक वीडियो को हम लोग ज़्यादा लॉन्ग करेंगे तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स चले जाएंगे एंड उसमें जो है फैंस ज़्यादा देर तक वीडियो में अट के नहीं रहते. सो इस वीडियो का ये पेंड होता है. अगली वीडियो पर मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली न्यूज़ देने वाली हूँ कि क्या, मतलब कौन जीत सकता है, हमारे रियांश के कितने परसेंट, रियांश कितना ज़्यादा वोट जा रहा है, हमारे इश्क में मजाओं को कितना ज़्यादा जा रहा है हमारे रियांश को.
तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो पे मिलती हूँ सारे के सारे फैंस न्यू धमाकेदार अपडेट्स के जरिए मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में मिलती हूँ। सारे के सारे लोग अगले न्यू वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बस अगले न्यू वीडियो थोड़ी ही देर में आएगा एंड थोड़ी ही देर में मैं डालूँगी। सो डालने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सो अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप लोग रेडी रहिए मेरा अगला वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में सारे के सारे फैंस मिलते हैं।